सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में मैं आज बात करूंगा एम्पिरिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी और साथ में मैं बताऊंगा कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट ऑफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट। इन प्रोबेबिलिटी का कुछ वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं और आई बटन प्रेस करके भी उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके का मैथमेटिक्स का वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग एम्पिरिकल और स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन देखते हैं प्रोबेबिलिटी का, क्या एम्पिरिकल डेफिनेशन होता है। तो देखिए, इफ ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स बी परफॉर्म, ध्यान दीजिएगा एम्पिरिकल डेफिनेशन जो डिफाइन किया गया है यहां पर, ये लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स, लार्ज नंबर होना चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स बी परफॉर्म्ड अंडर सेम कंडीशन में होना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट जो हम लोग कर रहे हैं वो सेम कंडीशन में परफॉर्म होना चाहिए और लार्ज नंबर होना चाहिए। एंड इफ द लिमिट्स ऑफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट टू द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इज यूनिक एंड फाइनाइट। अब क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स कर रहे हैं और सेम कंडीशन में कर रहे हैं, अब लिमिट ऑफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हैपनिंग, किसी इवेंट का होने की जो संख्या है और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है उस दोनों का रेशियो का लिमिट लेंगे, वो लिमिट यूनिक और फाइनाइट होना चाहिए, तो देन दिस लिमिट इज नोन एज द probability of the happening of that event। जरा इसको इस तरीके से समझिए, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सिम्बॉलिकली इसी को, लैंग्वेज को हम लोग सिम्बॉलिकली लिख रहे हैं कि इफ इन n ट्रायल्स एन इवेंट ई हैपन्स m टाइम्स, अगर n ट्रायल्स करते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट को तो n ट्रायल्स करने पर कितना बार ये घटना घटता है, ई घटना कितना बार घटता है, m बार घटता है। n बार हम लोग ट्रायल कर रहे हैं तो उसमें से ई घटना एम टाइम्स घटता है, तो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ ई डिनोटेड बाय पी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं पी ऑफ ई से। और ये डिफाइन कैसे करते हैं, ये ऊपर में एम लिखेंगे, एम मतलब ई घटना एम बार हुआ है और एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है, तो ई घटना जितना बार हो रहा है और टोटल ट्रायल्स, ये दोनों का रेशियो लेंगे और इस रेशियो में लिमिट लगा देंगे एन टेंस टू इन्फिनिटी। ये लिमिट जो है वो यूनिक होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए, तो इस लिमिट को हम लोग कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट ई। तो वही मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि लिमिट ऑफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ये नंबर ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट, ये एम जो है वो कितना बार ई घटना घटा है उसकी संख्या बता रहा है, टू द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, और ये एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है, तो कितना बार हो रहा है घटना और कितना बार ट्रायल किया जा रहा है, दोनों का जो रेशियो आएगा उसका लिमिट ले लेंगे, तो लिमिटिंग वैल्यू जो आएगा उसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट ई। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है एम्पिरिकल डिफिनेशन या स्टैटिस्टिकल डिफिनेशन में क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स होना चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स हो और सेम कंडीशन में हो, तो जितना बार घटना घटता है, जैसे सपोज कीजिए किसी क्वाइन को जो है वो हम लोग 10,000 टाइम्स फेंकते हैं, 10,000 टाइम्स टॉस करते हैं और मान लेते हैं कि यहाँ पर 5,190 बार जो है वो हेड आ गया, तो जितना बार हेड आया उसको ऊपर लिखेंगे और टोटल ट्रायल्स जो है वो नीचे लिखेंगे, और इसका जो लिमिटिंग वैल्यू आएगा अगर इसमें हम लोग इसको वेरी लार्ज करते हैं, अभी 10,000 रखे हैं और भी ज़्यादा लार्ज कर दें तो इसका जो वैल्यू आएगा यही प्रोबेबिलिटी होगा, हेड आने का प्रोबेबिलिटी यही हो जाएगा। इसमें शर्त ये है कि ये वेरी लार्ज होना चाहिए ट्रायल्स, तो यहाँ पर 10,000 ही वेरी लार्ज है और भी लार्ज कर सकते हैं, तो जो भी इसका वैल्यू आएगा उसको हम लोग कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट एच, एच मीन्स यहाँ पर हेड आने का।
तो क्या करेंगे, जब हम लोग लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स कर रहे हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट को, तो जितना बार घटना घटता है उसको ऊपर लिखेंगे और टोटल ट्रायल्स को नीचे लिखेंगे, उसी में लिमिट लगा देंगे। इसी लिमिटिंग वैल्यू को, अगर ये यूनिक और फाइनाइट हो, यूनिक भी होना चाहिए फाइनाइट भी होना चाहिए, तो इसी लिमिटिंग वैल्यू को कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट ई। और ये हो गया एम्पिरिकल डेफिनेशन। क्लासिकल डेफिनेशन मैं पहले वाला वीडियो में बता चुका हूँ। अब देखिए कंप्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है। लेट ए वी एन इवेंट, देन कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट ए इज डिनोटेड बाय ए बार और ए डैश। कोई भी इवेंट ए ले रहे हैं तो उसके कंप्लीमेंट को हम लोग ए बार से या ए डैश से डिनोट करते हैं। एंड इट इंक्लूड्स ऑल द सैंपल पॉइंट नॉट इंक्लूड इन ए। और ए बार या ए डैश जो कंप्लीमेंट ऑफ ए कहेंगे, तो इसमें वैसा सारा सैंपल पॉइंट होगा जो ए में नहीं है। जो भी ए में नहीं है वैसा सारा सैंपल पॉइंट ए बार में होगा या ए डैश में होगा। तो इसी ए बार या ए डैश को हम लोग कहेंगे कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट। एक एग्जांपल से मैं समझाऊंगा, लेकिन इसका सेकेंड डेफिनेशन देख लीजिए कि एन इवेंट विच अकर्स ओनली वेन इवेंट ए डज नॉट अकर इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट ए। एक को एक ऐसा इवेंट के बारे में सोचिए जो तभी हो सकता है जब इवेंट ए नहीं होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट ए और डिनोट करते हैं ए बार से और ए डैश से। इसको एक एग्जांपल से देखिए। मान लीजिए किसी पासे को हम लोग फेंकते हैं, लूडो का जो पासा होता है उसको हम लोग थ्रो करते हैं, तो उसमें कौन कौन सा सिंपल पॉइंट आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। लूडो के पास में यही 6 नंबर होता है, तो इसको फेंकने से 1 से 6 तक हो सकता है, तो ये सिंपल स्पेस एस हो गया। ए मान लेते हैं 3 से कम आने की घटना, ए जो है वो 3 से कम आने की 1 और 2 आने की घटना। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बार को कहते हैं कंप्लीमेंट, तो कंप्लीमेंट में वैसा सारा सिंपल पॉइंट रख दीजिए जो ए में नहीं है। तो ए में कौन कौन सा नहीं है, 3 नहीं है, 3 रख दीजिए। यहाँ सिर्फ 1 और 2 है, तो 1 और 2 के अलावा 3, 4, 5, 6 ए में नहीं है, तो 3, 4, 5, 6 से एक सेट बना लीजिए। ये जो सेट बन रहा है इसी को कहेंगे कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट ई। तो ध्यान दीजिएगा, ए बार में वैसा सारा सिंपल पॉइंट होता है जो ए में नहीं है। ए में जो नहीं है वो सब किस में आ जाता है, ए बार में। तो इसी को कहेंगे कंप्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए या कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट ए। जरा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों घटना एक साथ नहीं घटेगा। अगर ए घटना घट रहा है तो फिर ए बार नहीं घटेगा, और ए बार घटना घट रहा है तो ए घटना नहीं हो सकता है। जरा समझिएगा इसको, ये कंप्लीमेंट किसको कहते हैं। सेकेंड डेफिनेशन में बताया हूँ कि एक ऐसा इवेंट जो तभी हो सकता है जब ए इवेंट नहीं हो। ए इवेंट नहीं हो मतलब 1 और 2 नहीं आवे, तो फिर क्या आ सकता है, 3, 4, 5, 6 आ सकता है। तो वैसे इवेंट को ही हम लोग कहते हैं कंप्लीमेंट इवेंट ऑफ ए। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है, और दोनों का यूनियन करेंगे तो दोनों का यूनियन करने पर ए और ए बार का अगर यूनियन कर दें तो ये किसके बराबर हो जाता है, सिंपल स्पेस, सारा एलिमेंट आ जाएगा ये, तो ये कहलाता है कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट ए। अगर ए घटना घट रहा है तो ए बार नहीं होगा। मान लीजिए 1 आ रहा है तो ए घटना घट रहा है, ए बार नहीं होगा। 2 अगर आ रहा है तो इसका मतलब ए घटना घट रहा है और ए बार घटना नहीं घट रहा है। तो ए बार को हम लोग ये भी कहते हैं कि ए बार इसका मतलब नॉट ए, ए घटना नहीं घटेगा तो फिर ए बार घटना घटेगा, मतलब 1, 2 नहीं आएगा तो फिर 3, 4, 5, 6 आ सकता है। तो ए बार का मतलब हो गया नॉट ए। अगर हम लोग पी ए बार लिख रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस नॉट अकरेंस ऑफ ए, ये क्या बताता है, ए घटना नहीं घटने का प्रोबेबिलिटी बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए बताता है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर समझिए। मान लीजिए कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट को करने से ए का फेवरेबल केसेज जो आया है वो एम है, एम जो है ए का फेवरेबल केसेज है, और टोटल केसेज जो है या टोटल एलिमेंट्री इवेंट्स मान लेते हैं टोटल एलिमेंट्री इवेंट्स एन है, तो फेवरेबल केस एम और टोटल एलिमेंट्री इवेंट्स एन है, तो इस ए का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स।
ये फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स है, ए का फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स एम है और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स एन है, तो प्रायोरिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स यानी कि एम बाय एन। अब पी ए बार अगर निकालेंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, ए एन टोटल एलिमेंट्री इवेंट्स है, इसमें से एम इवेंट जो है वो ए के फेवर में है, तो कितना इवेंट ए के फेवर में नहीं होगा, बाकी जो बच जाएगा, टोटल एन एलिमेंट्री इवेंट है और एम एलिमेंट्री इवेंट ए के फेवर में है, तो बाकी जो बच रहा है एन माइनस एम वो क्या बताएगा कि ए के फेवर में नहीं है, यानी कि ए घटना नहीं घटेगा तो कौन सा कितना केसेज होगा एन माइनस एम, तो ए घटना नहीं घटने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, इसके फेवर में एन माइनस एम एलिमेंट आ रहा है और टोटल एलिमेंट कितना है एन है। अब देखिए दोनों को डिवाइड कर दीजिए इसमें, तो दोनों में एन बाय एन माइनस एम बाय एन, तो ये कितना आ गया एन बाय एन हो गया वन और एम बाय एन को हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए, ये किसका वैल्यू निकल गया पी ऑफ ए बार का, ये पी ऑफ ए को इधर ले आइए तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू हो गया वन, तो किसी भी इवेंट का किसी भी घटना के घटने का प्रोबेबिलिटी और उस घटना के नहीं घटने का प्रोबेबिलिटी दोनों का सम कितना होता है वन होता है। आप इसी एग्जांपल को देखिए, मैं जो यहाँ पर एग्जांपल बताया हूँ तो यहाँ पर जरा समझिए कि ए का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, ए के फेवर में कितना केस है, टू केसेज है, तो इसका फेवरेबल केस हो गया टू और टोटल केसेज कितना है, टोटल सिक्स है, तो ये आ रहा है वन बाय थ्री, और ए बार का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, टोटल सिक्स केसेज है जिसमें से टू केसेज ए के फेवर में है, बाकी जो फोर केसेज बचा वो ए बार के फेवर में आ जाएगा, तो ए बार के फेवर में फोर केसेज है, तो इसका फोर और टोटल केसेज सिक्स था, तो ये आ गया टू बाय थ्री। अब आप दोनों को ऐड करके देखिए, ए इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी और ए इवेंट नहीं होने का प्रोबेबिलिटी दोनों का सम कितना आ जाएगा, वन बाय थ्री प्लस टू बाय थ्री यानी कि ये थ्री बाय थ्री यानी कि ये वन आ रहा है, तो किसी भी इवेंट का होने और नहीं होने दोनों के प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, वन होता है। और अब कम्प्लीमेंट्री इवेंट के बाद मैं ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट के बारे में बता रहा हूँ। ये देखिए, द ऑड्स इन फेवर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट ए इज डिफाइंड बाय पी ए इज टू पी ए बार, कोई भी इवेंट ए है उसका ऑड्स इन फेवर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट ए किसको कहेंगे, किसी घटना के घटने का प्रोबेबिलिटी और नहीं घटने का प्रोबेबिलिटी, ये जो दोनों का रेशियो होगा इसी रेशियो को कहते हैं ऑड्स इन फेवर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट ए। ए इवेंट का ऑड्स इन फेवर क्या होगा, घटने का प्रोबेबिलिटी और उस घटना के नहीं घटने का प्रोबेबिलिटी दोनों का रेशियो लेंगे उसी को ऑड्स इन फेवर कहेंगे। और इस रेशियो को अगर अपोजिट कर दें, पी ए बार को पहले लिख जाएं और पी ए को बाद में लिख दें, तो पी ए बार और पी ए का जो रेशियो होगा उसको कहेंगे ऑड्स अगेंस्ट द अकरेंस ऑफ ई। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए किसी क्वाइन को टॉस करते हैं तो क्वाइन को या किसी पासे को ही फेंकते हैं, तो किसी पासे को फेंकने के बाद सिंपल स्पेस 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आएगा। ए मान लेते हैं ये एक इवेंट है, इवेंट ऑफ गेटिंग ये नंबर लेस देन थ्री आने की जो घटना है वो ए मान लेते हैं, तो ए का सिंपल ए में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, वन और टू आएगा, थ्री से छोटी संख्या होना है तो वन और टू हो गया, और इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी कैसा निकलेगा, टू फेवरेबल केसेज और टोटल केसेज सिक्स है यानी कि वन बाय थ्री। पी ऑफ ए बार आप ऐसे निकाल सकते हैं, मैं अभी बता चुका हूँ कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू वन होता है, तो पी ऑफ ए बार कैसे निकलेगा, आप इसको उधर ले जाइए वन माइनस पी ऑफ ए, तो पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू वन माइनस पी ऑफ ए यानी कि वन माइनस पी ऑफ ए का वैल्यू वन बाय थ्री यानी कि ये आ रहा है टू बाय थ्री, तो इसका ए बार का प्रोबेबिलिटी हो गया टू बाय थ्री। अब ऑड्स इन फेवर निकालना है, ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए, तो इवेंट ए का ऑड्स इन फेवर क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा,
ये पी ऑफ ए डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए बार हो जाएगा। तो पी ऑफ ए कितना है, पी ऑफ ए है 1/3 और ये कितना है 2/3, तो 3/3 कट जाएगा यानी कि 1/2। तो ये 1:2 जो रेशियो आ रहा है यही रेशियो ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए हुआ, और ऑड्स अगेंस्ट ए निकालना है, ऑड्स अगेंस्ट ए। तो इसके लिए क्या करते हैं, ऑड्स अगेंस्ट ए निकालने के लिए हम लोग ये पी ऑफ ए बार को ऊपर रखेंगे और पी ऑफ ए को नीचे रखेंगे। तो पी ऑफ ए बार हो गया 2/3 निकाल के रखे हुए यहाँ पर, और ये है 1/3, तो 3/3 कैंसिल हो जाएगा, 2/1 यानी कि 2:1 जो रेशियो है ये ऑड्स अगेंस्ट ए हुआ। तो ये फ्रेंड्स कुछ मैं आज डिफिनेशन एम्पिरिकल डिफिनेशन बताया हूँ और ऑड्स अगेंस्ट बताया हूँ, कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट बताया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में मैं बताऊँगा और अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स के बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो आप सभी से फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।